अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप साहब। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। अगर आपने मिनी फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों अभी बारिश रुक चुकी है, तो मुनीब भाई ने मुर्गियों को दाना डाल दिया है, तो मैं अब आके दूसरी मुर्गियों को दाना डाल लेता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी दाना डाल दिया है, तो हम अब जाके अपनी मछली को देख लेते हैं। दोस्तों इनका देखा पानी कितना गंदा हो रहा है, तो अभी इंशाल्लाह ये भी साफ़ करेंगे। गाइस देखें, मुर्गियों के केज में सारा पानी चला गया है, बारिश का पानी मुर्गियों के केज में चला। मेरे बारिश की वजह से केज में पानी चला गया, तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया है केज, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक करेंगे। ऊपर से मैंने रेत अंदर बिछाई हुई थी, रेत भी सारी गीली हो गई है, तो मुर्गियां सारी हल्की बीमार हो गई हैं। तो रात तकरीबन 7-8 घंटे बारिश होती रही है, अब से अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन बारिश रुक चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। दोस्तों मेरे पास जामुन पड़े हुए थे कल वाले, तो अब मैं अपनी मुर्गियों को डालता हूँ कि ये खाती भी हैं कि नहीं, ट्राई करते हैं, उम्मीद है ये खा लेंगी। तो अभी मैं जाके जामुन लेके आता हूँ। जामुन मैंने पकड़ लिए हैं, तब इनको डाल के देखता हूँ ये खाते हैं कि नहीं। ये माशाल्लाह खाने लग गई हैं, ये देखें। और डालते हैं, शायद ये भी खा लें। जामुन तो बहुत शौक से खा रही हैं, अब अपनी दूसरी मुर्गियों को भी खिलाते हैं कि वो खाती हैं कि नहीं। बारिश के बाद देखिए वेदर माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया है, तो बारिश का फिर मौसम बन गया है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। देखें कैसे बादल जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों अब धूप निकल चुकी है, बारिश बिल्कुल रुक चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों धूप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अब वापस छत पे आया हूँ, तो रात का खाना अपने मुर्गियों को डाल देते हैं। इनको दाना नहीं डालेंगे क्योंकि वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है, अभी वो भी लेने जाएंगे, तो अब इनको रोटियाँ डाल दें। बस आज ना मैंने पहले इन बैंटम को डाला खाना, तो ये वाली मुर्गियाँ कैरियाँ हमें बाहर आ रहे थे, फिर हम तुझे बताते हैं। आज तूने पहले इनको डाल दिया, आज मैंने इनको पहले डाला क्योंकि देखते हैं ये रोटियां खाते हैं कि नहीं। ये तो माशाल्लाह से बहुत शौक से रोटियां खाते हैं, तो मैंने देखा इनको डाल के देखते हैं। तो ये जो बाप है ना, ये तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रही रोटियों को, ये बैंटम हल्की हल्की खा रही हैं, तो इनका वही हाल है। फिर इनको हम फीड ला कर डालते हैं, तो हम जा कर फीड ले कर आते हैं। मैं ना मार्केट से जा कर फीड और मुर्गियों का दाना ले आया हूँ, तो हमने इनका फीड डाल दी है। तब जितनी देर तक बैंटम दाना नहीं खाते उतनी देर तक हम इंतज़ार करते हैं, तो उसके बाद हम अपनी दूसरी मुर्गियाँ खोलेंगे और उनका भी जामुन खिलाएंगे, क्योंकि इनको मैंने पहले खिला दिए थे, अब उनकी बारी है। गाइस बैंटम ने भी इन्हीं रोटियाँ खाई, तो अब हम इनको दाना डाल देंगे इनके पिंजरे के अंदर ही, तो हम अब अपनी दूसरी मुर्गियाँ खोलते हैं, तो उनको ये रोटियाँ खिला देते हैं। देखें रोटियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं, बैंटम ने बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई, तो इनको दाना डालेंगे, इनको पहले हम बंद कर देते हैं। हमने ना अपनी बैंटम मुर्गियों को बंद कर लिया है, अब ये वाली मुर्गियों को छोड़ देते हैं। देखना गाइस मैं इनको खोलता जाऊंगा, इन्होंने टूट पड़ना है रोटियों पे,
1 2 3 ये देखना कैसे भागते जाती। पहले तो ये फीड खाएंगी। मैंने कहा था ना पहले ये फीड खाती हैं, उसके बाद ये अब रोटियां ये देखे ये खाने भी लग गई हैं। इन्होंने अभी मिनट लगाना है, ये चटम काट देंगे। गाइस मैंने बोला था ना इन्होंने मिनट लगाना, चटम काट देना। ये देखें चटम काट दिया। अब हम इनको और रोटियां डाल देते हैं। एक तो ना इन मुर्गों की लड़ाई नहीं ख़त्म होती। ये देखें दोनों आपस में लड़ाई की जाते हैं। गाइस आपने देखा है मुर्गे लड़ाई एक पिंजरे के अंदर है एक बाहर है, तो एक दूसरे को खाने को पाटते हैं। अभी हमने खा जाना है इसलिए मैं इनको दोनों को नहीं छोड़ता, इनकी लड़ाई ना हो जाए, एक दूसरे की आँख वाँख ना निकाल दे, इसलिए हम इनको एहतियात से रखते हैं। अगर आपके पास भी मुर्गे हैं तो प्लीज़ मुर्गे मत लड़ाई करवाया करें, ये बिल्कुल गुनाह होता है, क्योंकि नुकसान मुर्गियों का होना है हमारा नहीं होना। हम तो देखेंगे हम मज़े ले लेंगे, लेकिन बाद में अगर किसी की मुर्गे की आँख निकल गई तो नुकसान तो मुर्गे का होना है ना, तकलीफ़ उसको होनी है। इसलिए आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुर्गियों को लड़ाई मत करवाया करें। देखिए टूट पड़ी है, मैंने कहा था ना ये भी आप इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद हम इनका जामुन डालते हैं। गाइस माशाल्लाह से मैंने इनको जामुन भी डाल दिए हैं, तो इन्होंने ये फिनिश भी कर दिया है। मैंने इनको जामुन डाले हैं तो इन्होंने फिनिश कर दिया। ये भी बहुत शौक से खाती हैं, इनको आप रोज़ डाला करेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे मिनी फार्म चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब इनका पानी डाल देते हैं।